जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते तथा हमी भाव का कायदा नहीं होता, तब तक किसान घर नहीं जाएंगे, ऐसी सरकार को चेतावनी देते हुए संविधान चौक पर महाराष्ट्र राज्य किसान सभा नागपुर जिले की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। भारत यह कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस देश का किसान हर दिन तिल तिल मरता है। आंधी तूफान, बेमौसम बारिश और सरकार का किसानों के प्रति उदासीन रवैया आदि बातों से अब तक के हजारों किसानों ने मौत को गले लगाया है। खेती से अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करने वाला किसान आए दिन केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कानून से काफी खफा है। किसानों का यह कहना है कि तीन कानून किसानों का जीवन और उनके खेती कामकाज को बर्बाद करने वाला है तथा सरकार पूंजीपति और बड़े उद्योगपतियों के लिए किसानों का खात्मा करना चाहती है। 26 नवंबर 2020 से दिल्ली में किसान जन आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर जिले से भी कई किसानों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यदि सरकार अभी भी तीन कानून को निकाल नहीं देती, तब तक डेरा डालो आंदोलन होगा। जो हमारे किसान भाई लगभग 5 लाख जो 7 महीनों से अपनी जायज मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में हम पूरे देश में जहाँ जहाँ संभव हो, खासकर जहाँ जहाँ जिला मुख्यालय है वहाँ पर डेरा डालो आंदोलन कर रहे हैं। हमारा साफ कहना है, इस लोकतंत्र में अगर सरकार किसानों की नहीं सुनती है तो उस सरकार को हम लोकतंत्र नहीं बोल सकते, नंबर एक। दूसरी बात, तीन कानूनों की बात हो रही है। इस देश में किसान 70% जनसंख्या है, और अगर आप 70% जनसंख्या की बात नकार रहे हैं, इसका मतलब आप देश को नकार रहे हैं, एक। दूसरा, सरकार ने 40 जो मजदूर कानून थे, लेबर लॉज, उनको निरस्त करके 4 बायलॉज बनाया है, यानी मजदूरों के अधिकार भी ख़त्म कर रहे हैं। एक तरफ मजदूरों के अधिकार ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के अधिकार ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग जो हैं, मैं तो ना तो किसान हूँ ना मजदूर हूँ, लेकिन दोनों की समस्याओं को समझता हूँ। पदाधिकारी जिन्होंने बखूबी बेबक के साथ बात करते हुए ये कहा कि जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक नागपुर के किसान भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, और केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से जो तीन कानून जो लगाए गए हैं वो किसानों के हितों में नहीं है, जिसके चलते किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसा ही कुछ इन लोगों का कहना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा बार बार कहा जाता है, मगर आए दिन जिस प्रकार से भारत के किसानों की जो बदहाली हो रही है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन, ये सवाल उभर कर सामने आ रहा है। संजय मीरे, BCN News, नागपुर।